हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी चेक वार चला। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोको पायलट प्लस आपकी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली 2022 में या 2023 के एंड में जो आपको फर्स्ट में जो आपको देखने को मिलेगी, 1 लाख से ऊपर जो आपके रेलवे में वैकेंसीज खाली चल रही है उसमें आपकी कितनी आती है अब ये देखने वाली बात है। पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसकी एज कितनी रहने वाली है। तो एज की बात करें तो लगभग यहाँ पर आपकी जो शुरुआती एज रहती है वो मिनिमम आपको 18 साल का तो होना ही पड़ता है। 18 साल से लेके आपके इसमें जो मिनिमम एज रहती है और मैक्सिमम एज आपके इसमें 28 साल दे रखी है, तो 18 से 28 रहती है। और बात करें इसमें तो आपके जो इसमें बात करें जब से वैकेंसी आती है उसके अगले महीने से आपकी जोड़ ली जाती है 1 तारीख से। और यहाँ पे बात करें तो 5 साल की तो आपको ST वालों SC ST वालों को इसमें छूट मिल जाती है। और बात करें OBC वालों को तो OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है। तो यानी 28 प्लस 5 करोगे तो 33 साल इसमें आपकी मैक्सिमम एज रहती है। एससी वालों की बात करें तो 33 साल इसमें मैक्सिमम एज थी 2018 के अनुसार। और ST SC की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में OBC की बात करो, OBC की आपके इसमें 3 साल छूट मिल जाती है। तो 28 प्लस 3 कर दोगे आप तो इसमें आपकी 31 साल आपके मैक्सिमम एज रहती थी OBC वालों की। पर अभी 2-3 साल से भर्ती नहीं है, 2 साल तो कोरोना से निकल गए, तो आपको दो या तीन साल आपको इसमें बढ़ोतरी ही मिलेगी एज में। तो आप देख सकते हो कि 2 या 3 साल तो आपकी इसमें एज रिलेशन में बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। और बच्चे इसके लिए डिमांड भी करेंगे क्योंकि 2-3 साल से तो आपकी भर्ती आई नहीं रही 2018 के बाद में। अब बात करें एक सर्विस मैन की कितनी रहती है, तो यहाँ पर 3 साल का इनको भी इसमें एज रिलेक्शन मिल जाता है। उसके बाद में PWD की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो इसमें आपके 10 साल की छूट मिल जाती है। उसके बाद में आपकी PW नॉन कैटेगरी लेयर की बात करें, इसमें 13 साल की छूट मिल जाती है। PWD SC और ST वालों को 15 साल की छूट मिल जाती है, तो इनके लिए तो अच्छी बात है। और जम्मू कश्मीर वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं जो अदर कैंडिडेट वो और सर्विंग जिन्होंने सर्व कर दिया है ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो रेलवे पोस्टेज है उनके लिए, और वो लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए अपर एज यहाँ पे अनरिजर्व की 40 साल है, OBC की यहाँ पे 43 है, और SC ST की यहाँ पे 45 साल है। तो आप इसमें अपनी एज देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज। अगली बात करें यहाँ पे अनरिजर्व की जो लड़कियों के लिए क्या रहती है, जो जस्टिस डिवोर्स जो शायद मतलब जिनका तलाक हो जाता है जो सेपरेट अकेली रहती है उनके लिए अनरिजर्व की 35 साल है, OBC की यहाँ पे 38 साल है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है ST SC ST वालों की 40 साल है। और जो कोर्स अप्रेंटिस और ITI करते हैं सेल्वी रिलैक्सेशन जो उन अप्रेंटिस और ITI करते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है 1 साल का, मतलब 1 साल का जो अप्रेंटिस करते हैं उनको यहाँ पे आपके 1 साल का छूट मिल जाती है लगभग इसमें। अब बात करते हैं इसमें जो कैंडिडेट हु आर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस जो अंडर द अटेंडिंग मतलब एज ऑफ जो 25 साल की अप्रेंटिस करते हैं उनको भी यहाँ पे 35 साल की एज हो जाती 35 साल तक उनको छूट मिल जाती है, और OBC वालों को 38 साल तक की छूट मिल जाती है, 40 साल तक की आपके इसमें ST ST वालों को छूट मिल जाती है। तो आप इसमें देख सकते हो अगर आप अप्रेंटिस करते हो, एक्ट अप्रेंटिस जो होता है आपका वो अगर करते हो वो भी रेलवे से होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके रेलवे से ही होना चाहिए। जो अभी अप्रेंटिस की बहुत सारी वैकेंसी निकाल रहा है रेलवे, तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे तो 33 साल एज लिमिट रहती है, पर उसको 2-3 साल आपके बढ़ा देते हैं ये। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी ये एज मानी जाती है। यहाँ पे आप 18 से देख सकते हो, तो ये तो 2018 के अनुसार था, कब से ये मांगते हैं। अब 2022 की वैकेंसी आएगी और 2023 तक जो आपकी वैकेंसी आएगी उसके लिए कितनी रखते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है दो या तीन साल तो आपके इसमें आराम से छूट आपको दे देंगे, क्योंकि 2-3 साल तो इसमें कोरोना में ही के चले गए थे, तो उसकी वजह से तो वैकेंसी हो ही नहीं पाई थी। तो यही था इस वीडियो में, अब मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग कैटेगरी वाइज कम्युनिटी वाइज आपके एज कितनी रहने वाली है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट करके बता दें, और कोई क्वेरी है आपके तो वो भी कमेंट करके बता दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।